हेलो एवरीवन, मैं ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जामिया आरसीए से रिलेटेड। मैं इस डिस्कशन में जामिया आरसीए का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ 2021 का। ये ऑफिशियल आंसर की सही है, आपको मैं आंसर बता रहा हूँ और कुछ कुछ क्वेश्चन को मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ विद ए ग्रेट डिटेल के साथ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। तो क्वेश्चन नंबर 46 इसने पूछा, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 46 क्वेश्चन क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जामिया ने। तो क्या होता है फूड फोर्टिफिकेशन? तो फूड फोर्टिफिकेशन होता है कि इसमें बताया कि इट इज़ द एडिशनल ऑफ द की विटामिन्स एंड मिनरल टू स्टेबल फूड। और बिल्कुल सही है, इट इज़ एम टू फाइटिंग माल न्यूट्रिशन। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं? आखिर हम क्यों मिला रहे हैं जो एडिशनल की विटामिन, हम क्यों मिला रहे हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न है फूड फोर्टिफिकेशन में? क्योंकि इंडिया में माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, स्टंटिंग बहुत ज़्यादा है, वेस्टिंग बहुत ज़्यादा है और अंडर न्यूट्रिशमेंट है, मतलब कि उतने जो चिल्ड्रन जो उतने ज़्यादा हेल्दी नहीं हैं। तो अगर हम फूड फोर्टिफिकेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे इन सारी चीज़ों को हम लोग टैकल कर पाएंगे लॉन्ग रन में, ठीक है। तो जो फूड फोर्टिफिकेशन का एक आपको यही है कि फोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है कि एडिंग करना कुछ की विटामिन्स को और मिनरल्स को, जैसे कि आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, विटामिन्स हो गया, तो इन सबको स्टेबल फूड में ऐड करना, राइस में, मिल्क को राइस ऐड करना, मिल्क ऐड करना, साल्ट ऐड करना, ये सब क्या है, इन सब में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ऐड करेंगे तो क्या होगा, आप माल न्यूट्रिशन से भी आप फाइटिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो फूड फोर्टिफिकेशन ये आपको, ये इसका आंसर क्या है, C4 कैट और C4 कोलकाता। आगे बढ़ते हैं हम आगे। 47 क्वेश्चन क्या है? ये तो इजी क्वेश्चन है। INS विक्रमादित्य, इसका आंसर क्या है? ये INS विक्रमादित्य जो है, ये आपको क्या है, ये आपको एक आपको ये बता रहा है कि ये नेवी का शिप है, ये सारा नेवी का शिप है, उसका उसका क्लास क्या है, ठीक है। तो जो INS विक्रमादित्य, ये आपको एयरक्राफ्ट कैरियर है। और INS अरिदमन क्या है, ये आपको न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, ठीक है। INS चेन्नई क्या है, INS चेन्नई जो, ये आपको स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल्स डिस्ट्रॉयर है। और INS कलवारी क्या है, स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है। क्या है ये, स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है आपको, कौन, INS कलवारी, ठीक है। जो INS विक्रम आदित्य था, ये आपको 2014 से ये सर्विस में है, ये ठीक है। बाकी आप तीनों का बता सकते हैं कि ये कब से सर्विस में आया है, मतलब नेवी को ये कब से सर्विस में ये प्रोवाइड मतलब कर रहा है, ठीक है। और ये जो INS कलवारी है ना, ये 90% जो इसका कंपोनेंट है वो इंडियन मैन्युफैक्चर हुआ है। तो ये जो INS कलवारी है, ये इंडिजिनाइजेशन के ओर एक काफ़ी अच्छा स्टेप है बेसिकली हमारा, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट 28 जो इंडियन नेवी का है, उसके तहत इसको भी बनाया गया INS कलवारी को, और इसको हम P-31 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, P-31, किसको, INS कलवारी को। हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। क्वेश्चन नंबर क्या अब आने वाला है, क्वेश्चन नंबर आपको 48 है। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि टी बेस्ड ग्रोन इन आसाम, दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ दिस रीजन डैट सूट दिस क्रॉप। आखिर जो दार्जिलिंग का जो रीजन है ना, ठीक है, जो एक तो आसाम है, दार्जिलिंग का रीजन, दार्जिलिंग जो ये पार्ट आपको वेस्ट बंगाल का है, और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जो कि वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। तो ये दोनों, दार्जिलिंग और जो जलपाईगुड़ी, ये दोनों वेस्ट बंगाल का रीजन है, ठीक है। तो इसका क्या यूनिकनेस है, आखिर यहाँ पर क्या सूट करता है, इसके वजह से यहाँ पर टी बेस्ड ग्रोन होता है। आपने सुना होगा दार्जिलिंग टी के बारे में, इट हैज़ ए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ये बात बिल्कुल सही है। सोवर्स आर द मेनली कंसेंट्रेटेड 4 to 5 months, जून टू अक्टूबर इन एनी ईयर, सही, ये बात भी सही है। और क्या है, डीप फर्टाइल एंड वेल ड्रेन सॉइल, ये बात भी सही है। रक टोपोग्राफी ऑफ द रिलीफ नियर द हिमालयन फुटहिल्स, देखिए ये रक टोपोग्राफी नहीं हो सकता, इसी को आपको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये क्या मांगता है, ये रग नहीं, ये वेल ड्रेन क्या मांगता है, ये वेल ड्रेन, ये आपको रग टोपोग्राफी नहीं चाहिए, ये क्या चाहिए आपको, ये आपको वेल ड्रेन जेंटल स्लोप सॉइल चाहिए, क्या चाहिए, वेल ड्रेन। इसको आप लिख लीजिए, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप इसे लिख लीजिए, क्या चाहिए, ये वेल ड्रेन जेंटल सॉइल चाहिए, क्या चाहिए, वेल ड्रेन जेंटल सॉइल। जेंटल सॉइल चाहिए इसको, ठीक है, जेंटल सॉइल चाहिए किसे, टी को,
ठीक है, रिक्वायर्ड यह इसके प्लांटेशन के लिए। इसका आंसर क्या हो गया, 1, 2, 3 इसका आंसर हो गया, ए फॉर एप्पल इसका आंसर है। तो जो टी जो है, मैं आपको कुछ इसका बेसिक और बता देता हूँ, टी के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, कैसा क्या लोकेशन चाहिए, क्या क्लाइमेट चाहिए। तो जो टी के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 20 से लेकर के 30 डिग्री चाहिए, ठीक है, इसका 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है दोस्तों, इसका एक टेम्परेचर आप इसको लिख लें। इसका लोकेशन क्या होना चाहिए, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, क्या होना चाहिए, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। और इसके लिए और क्या होना चाहिए, और कुछ इसमें ऐसा है क्या, मैं आपको इसका, और जो इसके लिए वाटर चाहिए वो क्या चाहिए, जो वाटर चाहिए वो आपको 150 से 300 सेंटीमीटर चाहिए एनुअली, क्या चाहिए, 150 से लेकर के 300 सेंटीमीटर तक एनुअली, 150 से 300 सेंटीमीटर तक एनुअली चाहिए। जब भी आप ऐसे टॉपिक को प्रिपेयर करें तो आप मैप के थ्रू जाएं आप, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं ये जो टी जो है, ये टी कैसे हेल्प कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 है, 2 है, और जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो भी 17 तक है, जो टी जो है ना, ये टी क्या कर रहा है, ये हेल्पिंग कर रहा है, जैसे कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको ये ख़त्म करने में। तो आपको ये लिंकेज कर सकते हैं कि जो थ्रू टी है आप एक्सट्रीम पॉवर्टी को आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 का पार्ट है। आप फाइट कर सकते हैं अगेंस्ट हंगर, क्योंकि जो यहाँ पर जो टी गार्डन में जो लोग काम कर रहे हैं, ये उसको एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड कर रहा है ना, ये बेसिकली ऑन ए लार्ज स्केल पर, आप समझ पा रहे हैं कितने लोगों को ये रोजगार प्रोवाइड कर रहा है टी, ठीक है। और ये एम्पावरमेंट कर रहा है विमेन को, ठीक है, ये जो है सस्टेनेबल गोल नंबर 5 को ये अचीव करने की कोशिश कर रहा है। और क्या है मतलब, तो यही सब चीज़ आप इसको लिंकेज करके पढ़िए कि जो टी जो है, टी गार्डनिंग जो है वो कैसे हेल्प कर रहा है विमेन को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे अचीव करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपको कुछ, आप जरा बता सकते हैं मुझे जो टी जो है वो बेसिकली भारत का पहला टी कौन सा था, और इसके लिए जो पर्टिकुलर जो टी है इसके लिए, और मैं आपको एक और चीज़ पूछता हूँ, जो टी जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, और कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती है टी को, ये आप मुझे ज़रा बताएं जरा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 49 क्या है, 49 क्या क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 49 क्या है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पूछा हुआ है। देज आर द निस्से बैंक विद द मेन फंक्शन टू परफॉर्म द लेंडिंग एक्टिविटीज एंड वीकर सेक्शन, ये बात बिल्कुल सही है। दीज आर द स्केल डाउन वर्जन ऑफ द बैंक्स विद बोथ डिपॉजिट टेकिंग एंड द लोन मेकिंग फंक्शन, ये बात बिल्कुल सही है। दीज बैंक्स आर द बेस्ड ऑन द पार्थेसोमे कमेटी रिकमेंडेशन, ये बात बिल्कुल गलत है, ये इसके रिकमेंडेशन में नहीं है, ये जो रिकमेंडेशन है ये आपको नचिकेत मोर कमेटी एक बनी थी उसी के रिकमेंडेशन पर है, और उषा थरोड, ठीक है, लेकिन ज़्यादा इसका नाम जो आपको वो आपको नचिकेत मोर ही दिखेगा, ठीक है। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब क्या हुआ, नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये बनाया गया था, ठीक है। जो स्मेल आप मुझे बता सकते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आपके लिए कैपिटल क्या होना चाहिए, इसको भी SLR CRR इसको भी मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को। अब लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 50 में क्या है, क्वेश्चन 50 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द बॉडी अप्रूव्स, इस वर्ड को देखिए, अप्रूव द फेयर रिम्यूनरेटरी प्राइस ऑफ द शुगर कैन, शुगर कैन को जो अप्रूव करता है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसके कि चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा आप इस चीज़ को। बाकी जो ओवरऑल होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड द कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये बाकी जो ओवरऑल जो है ना, बाकी जो 23 है ना उसको ये अप्रूव करता है, जो भी आपको जिसको MSP दिया जाता है, इस चीज़ को आप समझें, आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। ये तो आपको APMC है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, डायरेक्टोरेट ऑफ द मार्केटिंग एंड द इंस्पेक्टर ऑफ द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें आप थोड़ा याद रखिएगा। तो फेयर एंड जो रिम्यूनरेटरी प्राइस है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर इसको अप्रूव करता है। बाकी इसमें 10 क्वेश्चन मैच के थे जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, मैं आपको उसका आंसर बता देता हूँ, बाकी आप खुद आप इसे सॉल्व करिएगा। जो कार्बन का जो आंसर था वो था बी, 15 इसका आंसर है, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, तो अगला यहाँ पर 15 होगा। अब आप जरा बताएं कमेंट सेक्शन में आखिर इसको कैसे ये फॉलो कैसे कर रहा है ये, ठीक है। ये तो आखिर वो नंबर से क्वेश्चन के लिए, ये तो आपको UPSC का क्वेश्चन इसने डायरेक्ट रिपीट कर दिया, यहाँ पर सिसड़ा क्वेश्चन इसने डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन इसने रिपीट कर दिया। जो इसका जो आंसर है वो आपको ए है, ए फॉर एप्पल 9, ठीक है। 2021 वाला इसने सिसड़ा क्वेश्चन को इसने रिपीट कर दिया, सेम टू सेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, 53 का आंसर क्या है, 15 है ए, ठीक है, ये आपको रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन था। 54 क्वेश्चन क्या है भाई, 54 में जो आपको इसका आंसर जो आप ध्यान आप देख पा रहे हैं, 54 का आंसर आपको बी है, 1981, ठीक है। विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एट द
एट डेट ऑफ ईयर 1970 का, वो 1981 में आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये आप कैलेंडर टॉपिक आप अच्छे से पढ़ें तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, जो 55 का क्या है, 55 का जो आंसर इन्होंने बताया वो सी बताया, सी फॉर कैट, सी फॉर कोलकाता। आगे बढ़ते हैं हम, 56 क्या है, 56 में इन्होंने क्या बताया इसका आंसर, 56 का जो आंसर बताया है, 56 आगे आ रहा है क्या, यस हाँ, 56 में जो आंसर है वो ए है, 13.5 लाख। इसमें आपको आप देख लेना बाकी अपने ओर से इसको कैसे इसने किया है। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा रुक करके, थोड़ा सा समझ करके मैथ को अच्छे से करिए। सीसीटी में आजकल बहुत बच्चे लटक रहे हैं, मैथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे से। हालांकि वो तो एक एप्टीट्यूड है। और क्या है इसमें आपको, 57 क्वेश्चन क्या है, 57 क्वेश्चन का आंसर जो है आपको बी है, क्या है, 4,50,000, जब आप इसको पढ़ेंगे तो। ठीक है, और क्या है 57, 58 का आंसर क्या है, 58 का जो आंसर है ये आपको, 58 आंसर क्या है, ये आपको साउथ ना होकर के क्या है, ये आपको नॉर्थ है, बी है, क्या है, बी फॉर बॉम्बई। 59 का आंसर क्या है, 59 का आंसर आपको जो बताया था ऑफिसर आंसर की, 59 का आंसर ए बताया गया है, 24 किलोमीटर। आपको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, ये मतलब वो स्पीड एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, और 60 का क्वेश्चन क्या है, 60 का क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, 60 का आंसर डी है, क्या है, डी। तो ये था दोस्तों कुछ आपको जो कि मैं आपको बताया हूँ जामिया आरसीए का 2021 का क्वेश्चन था ये टोटल, जो कि 60 क्वेश्चन इसमें पूछा गया। बाकी मैं आपको एसए का भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको और भी कुछ किसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।